सो गाइज मैं जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते मुझे बहुत खुशी है कि दोनों एक दूसरे के झगड़े सॉल्व हो गए, दोनों मियाँ बीवी के, और मियाँ बीवी हमेशा अच्छे से रहो, मेरी तो यही दुआ है। और मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि जाते जाते तुम लोग दोनों का सॉल्व भी हो गया माशाल्लाह। क्यों जा रहे हो यार? मैं नहीं जाती थी बेटा, लेकिन अली की कल, अली का वो है ना सुफियान एग्जाम है, टेस्ट है उसका। अगर पहली बार अगर आउट अगर मैं नहीं गया तो मेरे को फेल कर देंगे। तू जाके भी फेल होने वाला बेटा। नहीं, उसको स्टडी कराई हूँ मैंने, 3 दिन तो स्टडी कराई है उसको। मैंने किया स्टडी, मिसबाह के साथ भी किया, मम्मी के साथ भी किया, मेरे साथ भी किया। तो सर बताओ, बताया क्वेश्चन का, बताओ, वी मस्ट डैश ट्रैफिक रूल्स। ओबी स्पेलिंग बोल। ओ बी ई वाई। वेरी गुड। वी शुड क्या तो है इसका, व्हाट आर ट्रैफिक, व्हिच कलर ट्रैफिक सिग्नल्स हैव? ग्रीन, येलो और रेड। रेड इज फॉर स्टॉप। ग्रीन गो, येलो वेट। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन डैश फुटपाथ। स्पेलिंग एफ डबल ओ टी पी ए टी एच। वेरी गुड, चला ये पास होगा मेरा भाई, समझे ना, मेरा भाई है ये। इधर हु डैश द ट्रैफिक, हु डैश द ट्रैफिक, हु डैश द ट्रैफिक मतलब यही है ना। हाँ यही था ना क्वेश्चन, क्या था डैश? मेरे को भी नहीं मालूम वो कंट्रोल वाला। लेकिन एक चीज बोलूं सुफियान, तू ऐसा हंसते हुए आज सुबह से तेरा एकदम, कल से मैं देख रही हूँ कल से तेरा मूड ऑफ है। मैं अपनी जान दो दोनों मियां भी। मूड मेरे साथ सिर्फ ऑफ था, बाकी सबके साथ खिलखिला के नहीं, सबके साथ मस्ती कर रहा था। लेकिन कैसा हो जाता है ना कि अंदर तो अंदर ही अंदर भले आदमी नाराज रहे, लेकिन कैसा होता है ना घर का माहौल ऐसा, भले वो हंसता है लेकिन उसको थोड़ा सा वो लगा था। लेकिन बहुत अच्छा हुआ दोनों के पैचअप हो गए माशाल्लाह। ब्रेकअप कब हुआ था मम्मी? ब्रेकअप नहीं हुआ था, वो रूठा रूठा रूठी। लेकिन हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक नहीं होना तो मजा नहीं आता। हमारा नाम ही वो नोक झोंक भरी छोटी सी दुनिया। तेरे अंकल के साथ भी मेरा तो डेली होता है नोकझोंक, तेरे अंकल के साथ तो डेली होता है उनका। हम लोग तो ठोक होता ठाक ठूक ठाक, डेली एपिसोड है उनका, डेली एक एपिसोड है। फेमस देखो कैसा बोल रहा है, क्राइम पेट्रोल में डालेंगे तो फेमस हो जाएगा बेटा, रोज देखता है ना इसके लिए। ये हम लोग के झगड़े में हमेशा बीच में आ जाता है, तो इसकी वजह से जैसे अभी तुम लोग के बीच में जोहान आता है, देख कैसा बोल रहा हूँ, मजे लेता हूँ। बहुत बेकार है लड़का ये। तो चलो गाइज मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ, बच्चे बस अच्छे से रहे, बस आप लोग भी दुआ करो दोनों बच्चों को किसी की नजर नहीं लगे, अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहे, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार रहे, बस आमीन। तो चलो तुम लोग, मैं जा रही हूँ बेटा, ध्यान देना अपना, सुफियान का और जोहान का दोनों का। हाँ मेरा ध्यान कौन देगा, है ना इतना बड़ा बॉडी बिल्डर, वो देगा ना ध्यान तेरा, सब कुछ वही तो है, सही है कि नहीं सुफियान? सब कुछ तेरा मैं ही तो करूं, ओला उबर। चलो फिर मैं निकलती हूँ गाइस, और आप लोग भी दुआ करना, तो मिलते हैं आगे। नानी जा रही है जोहान, बाय बाय, नानी जा रही है। अब घर पे जाके मेरे को इसकी इतनी याद आएंगी, क्योंकि ढाई दिन से मेरे पास था, मैं इसको संभाल रही थी, और इसको भी मेरी आदत हो गई थी, जब भी मैं खड़े थे मेरे पास आने के लिए मांगता था। लेकिन अभी क्या करूँ, जाना जरूरी है, अगर कल अली की स्कूल की छुट्टी होती तो मैं एक दिन और रुकती, है ना जुहान, एक दिन और रुकती नानी। चलो कोई बात नहीं, बाद में फिर आएंगी नानी, ठीक है। सुफियान मैं देखो अभी एक चीज बोलती हूँ बेटा, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो जैसा कुछ भी प्रॉब्लम हो वैसा फोन करने का। तुम लोग इतना लेट करते हो, डॉक्टर के पास लेके गए, बाद में मेरे को मालूम पड़ रहा है वही तो नहीं, तो कुछ भी नहीं, मेरे को फोन करना बेटा, मैं फटक से आऊंगी मेरे बच्चों के लिए। अनिता दीदी ने दिलाई, चलो फिर चल बेटा, इधर चांद का बॉल, अपना ध्यान रखना, ठीक है। अगर छुट्टी हो जाएगी तो फिर से आ जाना। मैं तो दुआ करी तेरी मेड जल्दी आए, तो मेरे को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं तो भी आना यार, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेड क्या, वो बात नहीं है, लेकिन मेड आ जाएगी तेरा काम हो जाएगा ना, हल्का हो जाएगा इसके लिए। तो चलो फिर बाय बाय, जुई बाय नानी बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, चलो अली चलो चप्पल पहनो, चलो उसको भी आने, देखो उसको भी आने का, जुई बाय बाय। चलो अली करने का टाइम आ चुका है। चलो चलो, तो गाइस हमारी गाड़ी भी आ गई है, गाड़ी नंबर, और इसके सवाल जो अब चालू हो गए है ना। हाँ
आपको ये गाड़ी चलाते कितने साल हो गए? मेरे को हो गए तीन साल। तो चलिए अभी पहुंचते हैं, फिर घर पे फिर देखते हैं इसके डैडी क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो आगे आपको बताते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। यस यस, मजा आई कि नहीं दीदी? क्या मजा आई, बहुत मजा आई ना, पढ़ाई भी हो गई, मजा भी कर लिए। और अली देखो, उसको नींद आ रही है लेकिन चुटकियां ले रहा है, खाना खाने का है अभी बेटा। कि तुम सोएंगे, खाना खाएंगे ना? हाँ तो गाइस, ईद उल मिलादुन नबी आ रहा है तो मम्मी साफ सफाई कर ले है और मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बहुत कचरा है, तो मम्मी आने नहीं दे रहे। गाइस आप लोग भी क्या करते हो ईद उल मिलादुन नबी में, मेरे को कमेंट में बताओ प्लीज। सो गाइस अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं तो मम्मी लाइट लेने है, तो यहाँ पे लाइट लगाएंगे, बाहर की खिड़की में लाइट लगाएंगे और अब हम लोग खाना भी स्वीट भी बनाएंगे। आप लोग शुरू करते ना ब्लॉग में मम्मी के। सो गाइस मैंने सोफा सब पूरा आगे करवा ली हूँ क्योंकि पीछे बहुत कचरा था और कॉकरोच वगैरह था, तो अभी ये भी निकालने का है, ये सब करवा रही हूँ। नूरजा थोड़ा हेल्प कर दे बेटा, यहाँ से हलवा पराठा ले लिया हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं पूरी भाजी लेने। फिर मैं आया हूँ इधर नागपाड़े में छोले भटूरे लेने और बहुत अच्छा मिलता है यहाँ का, मैं हमेशा खाता हूँ। आ चुके थे लेकिन लेट हो गया था तो हम लोग घर पे रह गए थे और अभी हम लोग आए हमारे सासू माँ के और अली के दादा। हाँ, और हम लोग खा रहे हैं अभी क्या, बिरयानी। बिरयानी है ना? और दादी ने और क्या क्या दिए खाने के लिए बताओ, और बताओ अंदर से क्या क्या दिए, क्या क्या दिए निकालो, कैसा निकाल रहा है देखो, वाओ। ओ खाजा अली खाली है, भरा हुआ है उसमें, हिला है, हिला है ना, खाजा। तो चलो अभी हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं और जैद का वेट कर रहे हैं, जैद आएंगे उसके बाद जैद के लिए खाना अलग से गर्म कर देंगे। हाँ तेरे को ही दे रही बेटा, चलो। सो गाइस मेरे मियाँ भी आ चुके खाने के लिए, मीठा खाए क्या, मीठा एक नंबर है, पहले खाना पूरा खत्म करो कंप्लीट करो उसके बाद। ने नीरा दीदी, मिसबा दीदी के बिल के साथ, बॉस मेहता के और जैन के साथ भी। सो गाइस हम लोग सोने जा रहे हैं, तो इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन, मिलते हैं आपको। आई लव यू ऑल, बाय।